यीशु नाम, यीशु नाम नहीं है, यीशु नाम हमारे रोटी माटी और रोटी को फसाने का यीशु नाम। एक आपका पच्चीस हजार, आपका 20,000, आपका 2,50,000, आपका 50,000 पैसा वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। एक खुशखबर में मना देता हूँ, राशि में अमित शाह जी ने ये घोषणा करके किए है, सरकार बनने का पूरा सहारा का पैसा आई माई लौटा दिया जाएगा। ये बीजेपी का गारंटी है। किसी का बेटी का शादी के लिए पैसा जमा किए थे, किसी का जीवन भर का कमाई सहारा में बंद है, ये सारा पैसा हमारा सरकार बनेगा पूरा का। हम आप लोगों को आई माई लौटा दूंगा, ये हमारा वादा है। ठीक है ना भैया? एकदम ठीक है। तो मेरा साथ एक जुनून का साथ कि रोटी माटी मिट्टी बसाना है, जल खाना को बसाना है, इरफान अंसारी आलमगीर आलम को गंगा मैया में सर्विसिंग में भेजना है, पूरा जुनून के साथ मेरा नारा है भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, सीता रे, सीता रे। और एक बात बोलो, आप लोग हम सारा ज्यादा दीजिए, सीता सोरेन जी को ऐसा पावर हम लोग देगा कि जब करेगा जो इरफान जी और उनका पिता 35 साल कर नहीं पाया, 35 महीना में सीता सोरेन करके दिखा देगा, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, खुश है सब, पूरा खो देना है। एक गांव कितना वोट जीतेगा? 45,000। इरफान कितना वोट से जीतेगा? 37,000। तो एक इरफान अगर 35,000 वोट से जीते थे ना, सीता जी को कम से कम 35,000 वोट से जीता, उनसे ज्यादा होना चाहिए। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो पाएगा, हो पाएगा। और मेरा साथ बोलिए, सीता सोरे, सीता सोरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। सीता जी ने एक साथ खाने के लिए आऊंगा, एक साथ खाना खाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान भाजपा पर कई बड़े आरोप लगाए। देखिए, मैं यहाँ में झारखंड का चुनाव जिताने के लिए आया हूँ। कोई पूर्णिया का सांसद कौन है, मैं इसको गूगल करना पड़ेगा। पप्पू यादव बोले वो कौन है? पप्पू यादव पूर्णिया है कौन पता नहीं, मैं तो असम से आया हूँ। मैं अरे मैं पूर्णिया कहाँ में है जीवन, मैं तो जीवन में देखा भी नहीं। आप लोगों का साथ जाऊंगा तब जाके देखूंगा। राहुल गांधी, अरे मैं बोला ना, जो व्यक्ति को मैं जानते भी नहीं, जो व्यक्ति का जगह को भी मैं जीवन में नहीं गया हूँ, उसका बारे में मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ? थोड़ा बताइए ना आप लोग। सर, राहुल गांधी गोड्डा में कल जनसभा की, उन्होंने कहा कि मोदी जी की सांठगांठ जो है अरबपतियों से है, हम अगर जीतेंगे तो आरक्षण को बढ़ावा देंगे। देखिए, राहुल गांधी अमेरिका जाके क्या बोल के आए थे कि आरक्षण बंद करेगा, और गोड्डा में क्या बोले, आरक्षण बढ़ाएगा। एक ही व्यक्ति का दो दो मुख हो सकता है क्या? व्यक्ति का तो मुख एक ही होते हैं। तो अमेरिका में एक अलग और गुड्डा में एक अलग, तो कौन सा राहुल गांधी ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है, पहले वो तो बता दो। कोई एक तो ओरिजिनल होगा, एक तो डुप्लीकेट होगा। तो अमेरिका वाला डुप्लीकेट है कि गुड्डा वाला डुप्लीकेट है? गुड्डा वाला ओरिजिनल है कि अमेरिका वाला ओरिजिन है? अमेरिका में वो चीर चीर के बोला था कि आरक्षण हम लोग खत्म कर दूंगा,
सर 48 घंटों से कम समय बचा है चुनाव के लिए, जैसा कह रही है झारखंड जो है, झारखंड में बीजेपी जो है बांटना चाह रही है झारखंड। देखिए हमें हमारा समाज को एक करने के लिए घूम रहा हूँ, एक हो तो सेव हो, बांटने का बात कहाँ हुआ। अभी तो मैं 50 मिनट भाषण किया, बार बार यही बोलते रहा एक हो एक हो एक हो। इसी पे इरफान अंसारी कल बोले हैं कि अगर घुसपैठ तो सबसे पहले हम निकालेंगे। और निकालो ना, इतना इतना दिन क्या किया, दूध पिया क्या माँ का? दूध पिया क्या किया माँ का? क्या दूध पिया आपने इतना दिन? दूसरे चरण का सर तो क्या किया, क्यों क्यों घुसपैठिया नहीं निकालेगा? आपने 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 माँ का दूध पिया कि नहीं पिया है? उनका कहना कि असम के रास्ते घुसपैठिया तो आते हैं ना, असम में तो कांग्रेस का ही शासन थे। अभी तो मैं हर दिन पकड़ता हूँ, हर दिन आप टीवी में देखो आप। तो जो पहले आ चुका है वो तो आया है, वो कांग्रेस का ही पाप है। सारा का पैसा बोला पप्पू यादव की आपके बारे में, कहा कि पत्नी के नाम में ट्रांसफर करा लिया है। देखिए मेरा इतना बात मैं बोलता हूँ, अगर मेरा पत्नी का नाम में ट्रांसफर है तो ब्लैंक चेक आपको कल दे देता हूँ पत्नी का अकाउंट से, आप ले लो, इतना तो इजी कर दिया उन्होंने। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप जीतेंगे तो 2500 महिलाओं के खाते में हम लाएंगे। खटाखट का याद है ना, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।